नमस्कार दोस्तों, मैं मौजूद हूं दुर्गेश मिश्रा आपके साथ एक नए मुद्दे के साथ। मुद्दा यह कि मुलायम सिंह यादव की मौत। मुद्दा गर्म है, मुद्दा बड़ा है, मुद्दा जाहिर है, मुद्दा अपने आप में सवाल रखता है कि आखिर मुलायम सिंह यादव की मौत चर्चा का विषय बना हुआ है हर जगह पर कि आखिर कैसे। मुलायम सिंह यादव एक बड़ा नाम उत्तर प्रदेश के लिए व भारत के लिए, क्योंकि बड़ा नाम इस वजह से कई बार मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री रहे, कई एक बार रक्षा मंत्री रहे और भी कई उन्होंने अपने पद संभाले, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे समाजवादी सरकार के, लिहाजा एक बड़ा नाम है। लेकिन उस पर बात हो गई कि मुलायम सिंह यादव की मौत, हालांकि प्रदेश के पूर्व मुखिया रहे मुलायम सिंह यादव, हालांकि भी जिंदा हैं, लेकिन सत्यता क्या है, सही जानकारी क्या है, पूरा मसला क्या है, हम इस छोटे से वीडियो में पूरी जानकारी रखने की कोशिश करेंगे, आपको बताने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर आप समझें इस बात को कि सत्यता क्या है। सत्यता की बात करें तो इटावा के पास ही औरैया जिला पड़ता है, उस जिले के ककोर एक कस्बा है, ककोर के पास में कढोरे गांव का पुरवा, उसको कहा जाता है उनकी भाषा में कढोरे का पुरवा, वहां के रहने वाले एक समाजवादी नेता जो कि पूर्व एमएलसी थे उनका 92 साल की उम्र में निधन हो गया, जिनका नाम है मुलायम सिंह यादव। नाम तो चर्चा का विषय इसीलिए बना हुआ है कि मुलायम सिंह यादव कौन थे क्या नहीं थे, लेकिन हम इस वीडियो में जो सही जानकारी आपको बता रहे हैं कि वो मुलायम सिंह यादव पूर्व एमएलसी थे, पूर्व एमएलसी के बाद में उनका बड़ा राजनीतिक सफर रहा और उनके साथ में समाजवादी पार्टी का हाथ भी रहा। समाजवादी पार्टी का हाथ इस वजह से रहा कि सन 1949 में वह पहली बार सरपंच चुने गए, इसके बाद हम और भी बातें उनकी बताने की कोशिश करेंगे कम शब्दों में कम समय में। हम आपको बता दें कि 3 बार वह सरपंच बने और 2 बार वह भाग्यनगर या औरैया के पास में ही उनका इलाका पड़ता है भाग्यनगर, वहां पर सन 1973 से 1988 तक तकरीबन 15 साल तक ब्लॉक प्रमुख रहे 2 बार, यानी कि 3 बार वह रहे सरपंच बने और 2 बार वह बने ब्लॉक प्रमुख। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि वह 1990 में पहली बार विधान परिषद के सदस्य बने और 1990 से लेकर के 2010 तक काबिज रहे। देखिए, एक राजनीतिक सफर शुरुआत होता है, तकरीबन उनकी उम्र 20 साल रही होगी 1949 में, वर्तमान में वह 90 से 92 वर्ष के थे जब उनकी मौत हुई है अब, लेकिन उनका राजनीतिक सफर देखिए कि 49 में पहली बार वह सदस्य बने, इसके बाद में लगातार 2010 तक वह अपना राजनीतिक सफर उन्होंने तय किया उसी इलाके में। लिहाजा उनके बारे में जो बताया जाता है वो बताया जाता है कि उनका एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि आपने देखा होगा कि यूपी में तो खास तौर पर अगर हम बात करें कि छोटे से छोटा पार्षद भी अगर होता है तो उसका एक शहर में मकान होता है या प्रधान होता है, वो कहीं ना कहीं कुछ अपने जीवन में अगर वो 5 साल भी रुक जाता है तो कुछ ना कुछ अपनी संपत्ति को इकट्ठा कर लेता है, अचल संपत्ति को। लेकिन इनके बारे में बताया जाता है कि इनका शहर में एक भी पक्का मकान नहीं था, यानी कि जिस पुरवा में जिस कस्बे में रहते थे उन्होंने पूरा राजनीतिक जीवन वहीं पर गुजारा और अपनी अच्छी छवि को वहां पर बटोरा उस अपने एरिया में। ये उनकी सत्यता है, ये आखिर वहां के लोगों के द्वारा जानकारी मिली है, इसमें कोई नई बात नहीं है कि आखिर क्या है। लेकिन सवाल तो यह उठता है कि आखिर मुलायम सिंह यादव की मौत पर इनको कैसे जोड़ा गया। इस वीडियो में साफ हो गया है कि मुलायम सिंह यादव नाम के व्यक्ति जो खत्म हुए हैं उनका नाम है मुलायम सिंह यादव, जो कि पूर्व एमएलसी थे। आप उस मुलायम सिंह यादव की बात मत सोचिए जो सपा पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं और भारत सरकार में भी मंत्री रहे हैं। लिहाजा मैं मौजूद था आपके साथ में दुर्गेश मिश्रा, फिर हाजिर हूंगा एक नए मुद्दे के साथ।